राधे राधे आप सभी दोस्तों को दीपावली पर और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पोस्ट में जानेंगे कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा विधि और मंत्र पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा का विधान है, ऐसा कहा जाता है। धन्वंतरि जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे दिल से विष्णु अवतारी धन्वंतरि और कुबेर पूजा की जाए तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं कभी परेशान नहीं करती हैं और माता लक्ष्मी की पूजा से जीवन में कभी भी सुख धन वैभव की कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय 10 नवंबर की शाम को 5:46 से लेकर के शाम के 7:43 तक है। इस अवधि में धनतेरस की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। पूजा मुहूर्त में आप चाहें तो घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर आदि यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, तो इस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। आइए पहले जानते हैं कुबेर देव की पूजा किस प्रकार से करें। इस दिन प्रातः स्नान करें और आसन लेकर मंदिर के सामने बैठ जाएं। फिर बाएं हाथ में जल भरें और उसे खुद पर एवं आसपास छिड़कें। अब एक साफ चौकी लें और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। आप चाहें तो कुबेर देव की तस्वीर भी चौकी पर विराजित कर सकती हैं। आप कुमकुम से लाल कपड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर स्वास्तिक पर अक्षत फूल और फल रखकर अर्पित करें। अब कुबेर देव को मौली यानी कि कलावा को वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। इसके बाद कुबेर देव को श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आभूषण अर्पित करें। यदि आभूषण नहीं है तो आभूषण की जगह पर आप नारियल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कुबेर देव को कमल के पुष्प या कमल गट्टा अर्पित करें। फिर कुबेर देव के समक्ष धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके पश्चात कुबेर देव को मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें और आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। धनतेरस पर कुबेर देव के इन मंत्रों का जाप करें। कुबेर देव के मंत्र हैं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्ली वित्ति स्वराय नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनम पुत्रय पुरय नमः। और तीसरा मंत्र कुबेर देव का है ओम यच्छाय कुबेराय वैश्वराय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि मे देहि दापय स्वाहा। ये थे कुबेर देव के मंत्र। और अब जानते हैं धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान के बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी के पास लाल कपड़े पर अक्षत डालें और कलश स्थापित करें। फिर नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर कलश पर ऐसे रखें कि ऊपरी हिस्सा नजर आए। अब चौकी पर घी का दिया जलाएं और माँ लक्ष्मी के ठीक सामने रखें। फिर माँ लक्ष्मी को धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल पान सुपारी आदि चढ़ाएं। फिर माँ लक्ष्मी को उनका प्रिय खीर का भोग लगाएं और फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती गाएं। फिर भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच में बांटें।
अंत में माता लक्ष्मी और कुबेर देव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें। आप चाहें तो कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की साथ में भी पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम लक्ष्मी नमः, ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम ह्रीं त्रीं हूँ फट लक्ष्मी नारायण नमः। और अगला मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्धिये लक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अगला मंत्र है पद्मानने पद्म पद्मलक्ष्मी पद्म संभवे तन्मे भजसि पदाक्षि येन सौख्यम लभामहम। और आखिरी मंत्र है ओम ह्रीं श्री क्लीं क्ली श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरिये पूरिये चिंताये दूरिये दूरिये स्वाहा। तो ये थे धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा के मंत्र। दोस्तों आपने जाना इस पोस्ट में माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा विधि और मंत्र। हमें अब आज्ञा दें इस पोस्ट से स्वीकार करें मेरा शास्त्रीय सहित नमस्कार। दोस्तों हम अपनी एक परेशानी आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय भी बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आती है। दोस्तों ये सही नहीं हो सकती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें, अपना साथ और सहयोग जरूर हमें दें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।